एक नॉर्वे से दोस्त ने फोन किया, मुझे कहने लगे आप बड़ी तकरीरें करते हैं, कोई हमारे हक में भी कर दो। तो मैंने कहा कि आपको क्या है? कहने लगे आप परदेसियों की मजबूरियां नहीं समझते। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हजरत जी शिकवा है कि हमारे अपने हमें जब भी फोन करते हैं वो ये नहीं पूछते कि शाम का खाना खाया है कि नहीं खाया। वो कहते हैं वो शादी आ गई है तो जल्दी करो, पैसे भेज दो, फटाफट करो। कहते हैं कभी किसी ने हमसे हमारा हाल ही नहीं पूछा, कभी किसी ने ये गौर ही नहीं किया कि वो परदेश में गया है, और शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे, ताड़ी मार उड़ाना बाहू, असी आप ही उड़न हारे। तो तैयार बैठे, हाल ही कोई नहीं परदेश में। यहां हाल यह है कि जो फोन करता है, एक बुजुर्ग कहने लगे कि 22-23 साल दिए हैं परदेश को, तो अपनी ही बीवी को फोन किया है कि अब नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है, कमर कमजोर हो गई है, अब मेरा दिल करता है घर आऊं और मैं अपने घर में बैठ के बच्चों के बीच बैठ के रोटी खाऊं, आसाब कमजोर हो गए हैं, दिल की धड़कन तेज रहती है, पता नहीं कब वक्त आ जाए। तो कहते हैं मेरी बीवी जिसे मेरे दुख सुख का साथी होना चाहिए, वो कहती है चले 3-4 साल और लगा ले फिर आ जाना। वो भाई क्या उस शख्स के साथ क्या ताल्लुक है? उसका भाई उसे फोन करता है तो कहता है मैं पैसे दे दूंगा, जब आओ ना तो एक मोबाइल जरूर ले आना। उसको लोग फोन करते हैं, राबता करते हैं कि जनाब वो एक छोटी सी चीज, वो मैं पैसे दे दूंगा। तो पैसे देने हैं तो यहां से कौन सी चीज नहीं मिलती? सिर्फ फरमाइशें, लोगों के साथ ताल्लुक सिर्फ जेब का, रिश्ता सिर्फ जो है वो ताल्लुक सिर्फ इस चीज का कि वो आदमी एक एटीएम मशीन है तो फटाफट कार्ड डालो ताकि आपके हिस्से के पैसे निकल आए। ये मिजाज इसने नुकसान किया है, दरारें पड़ गई हैं, हालात बिगड़ गए हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को जो वकार दिया, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब में, फरमाते हैं कुछ लोग कयामत के करीब आएंगे जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की है, उनके पास कोई शख्स ना बैठे वरना उसका दिल काला हो जाएगा। का हुजूर वो कौन से? तो फरमाने लगे नबी पाक ने कुछ लोग बताए हैं, उनके पास नहीं बैठना। कौन से? मुस्तफा करीम ने फरमाया युहिब्बुन दुनिया वयंसौनल आखिरा, जो दुनिया को से प्यार करने लगे और आखिरत को भूल जाए। इमाम साहब फरमाते हैं इनसे दूर रहना, दिल काला हो जाएगा। युहिब्बून अल माल व यंसौन अल हिसाब, वो जो नबी पाक ने फरमाया ना, कुछ लोग आएंगे जो माल से तो प्यार करेंगे पर उसके हिसाब को भूल जाएंगे, उनसे बचना। और फरमाया युहिब्बून अल कुसूर व यंसौन अल मकबरा, जो मकानों से तो प्यार करेंगे पर अपनी कब्रों को भूल जाएंगे। और फरमाया उन लोगों से भी बच के रहना, उनसे भी परहेज करना कि जो लोग युहिब्बून अल खल्का व यंसौन अल खालिक, जो लोग मखलूक से तो प्यार करेंगे, बंदों से बड़ा प्यार करेंगे लेकिन अपने रब को भूल जाएंगे, उन लोगों से भी बचना। ताल्लुकात में खुलूस होता है, जब कोई आपकी गुर्बत से प्यार करता है तो वो आपका असल दोस्त होता है, जब वो आपकी तन्हाइयों से आजमाइशों से प्यार करता है तो उसका आपके साथ रिश्ता खालिस होता है।